हेलो एवरीबॉडी, इंग्लिश ग्रामर में हम नाउन का टॉपिक कर रहे हैं। उसमें हम टाइप्स ऑफ नाउन पे आ चुके हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन जो है फाइव टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन कर चुके हैं। आज हम करेंगे मटेरियल नाउन। पहले मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच अ न्यू थिंग इज मेड। इसको समझिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये मटीरियल नाउन यानी मटीरियल का मतलब है कोई चीज़ के। एग्जांपल्स से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल्स इसके हैं जैसे आयरन लोहा, क्ले मिट्टी, सीमेंट, गोल्ड, मिल्क, वीट। ये सभी मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स हैं। इनके कुछ सेंटेंसेस देखिए आप, जैसे मशीन्स आर मेड ऑफ आयरन। यहाँ पर आयरन और मशीन्स दोनों नाउन है। मशीन्स जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या है ये कॉमन नाउन, और आयरन मटेरियल नाउन। और एग्जांपल देखिए, पिक्चर्स, पिक्चर्स मीन्स पॉट्स या घड़े। पिक्चर्स आर मेड ऑफ क्ले, ये भी नाउन है यहाँ पर। तो ये मटेरियल नाउन, और बना क्या इससे नई चीज़, क्या बनी घड़े, मिट्टी से क्या बने घड़े। तो ये क्या यहाँ पर है कॉमन नाउन। और एग्जांपल देख लीजिए, ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड। सेम बात आ गई यहाँ पे भी, ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण, और किससे बने गोल्ड से। तो ये क्या है यहाँ पर मटेरियल नाउन, और ये क्या है यहाँ पर कॉमन नाउन। अब हम लास्ट टाइप ऑफ नाउन पर पहुँच गए हैं, जो कि है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट शब्द का मतलब होता है भाव, इसीलिए हम हिंदी में इसको भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। यानी ऐसी चीज़ जो हमें सिर्फ महसूस हो, जो हमें दिखाई ना दे, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। इसीलिए इसकी डेफिनेशन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एनी फीलिंग और थॉट। इट कैन नॉट बी सीन, यानी इसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, जॉय, यूथ, अर्थक्वेक। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इनको हम फिजिकल फॉर्म में या भौतिक अवस्था में देख नहीं सकते। इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ। पहला है जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ऑनेस्टी जो है क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। दूसरा हम उदाहरण या एग्जांपल इसका लिखेंगे, इंडियन सोल्जर्स आर नोन फॉर देयर
ब्रेवरी, तो यहाँ पे ब्रेवरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम इन 1947। तो यहाँ पर फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला ले लेते हैं हम, चाइल्डहुड इज बेस्ट टाइम ऑफ वंस लाइफ। चाइल्डहुड यानी बचपन, तो ये बचपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, म्यूजिक इज माय हॉबी। तो यहाँ पे म्यूजिक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, जिससे कि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं इजी तरीके से आपको पढ़ा पा रही हूँ, तो आप इसे कमेंट करके मुझे बताइए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।